परिणीति चोपड़ा, आदित्य राव, हैदरीन, कृति कुलहारी, नेटफ्लिक्स इंडिया ये चैनल का नाम जिस से इस ट्रेलर को ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज किया गया है। देखते हैं वीडियो में रिव्यू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल पर आए अलग ही आप लोग चैनल पर आए यार चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज और बेल आइकन को भी लगा प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सामने आप तक पहुंचे रहे। जिन लोगों ने जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया यार उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चले आए देखते हैं वीडियो स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 एंड स्टार्ट। मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ और उससे मुलाकात होती है। उसे देखकर मुझे मेरा बीता हुआ कल याद आता है। हम एक फैमिली शुरू करने जा रहे हैं, तुम, मैं, हमारा बच्चा। वो एक्सीडेंट। She's everything I lost. समझ नहीं आता ये जेलसी है या फिर मेरी चाह। Hey! एक्शन है। मैं हूँ मीरा कपूर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉलीवुड मूवी है। है मेरी कहानी। मिस मीरा कपूर, I'm here for a murder investigation. क्या आप इन्हें जानती हैं? इनकी बॉडी हमें ग्रेनिश फॉरेस्ट में मिली है। कितना झूठ बोलेंगे आप? बड़ी देर बाद आई है परिणीति चोपड़ा की वजह से केस की देर नहीं हो सकती। मीरा 6 बजे ग्रेनिश स्टेशन पे उतरी थी और वो 6:30 बजे नुसरत के घर के बाहर खड़ी थी। And then she reaches her home at 11 p.m. मेरा कोई मोटिव नहीं है मर्डर करने का। और मैं वो वक्त याद करना चाहती हूँ। Do you think तुमने उसे हर्ट किया होगा? याद नहीं। साइको दिख रहा है। Remember, याद करने की कोशिश करो। मुझे याद करना ही पड़ेगा कि उस रात को क्या हुआ। इंग्लैंड में बनी मुझे लगता है पास मूवी वो साइकोस टाइप दिखाई हुई है। मुझे अपना पास नहीं बदलना, आई वांट टू चेंज माय प्रेजेंट। शी हैड अ सीक्रेट। आई हैव टू रिमेंबर। दिक्कत हो रही है। वी आर बोथ दिस वीडियो ट्रेलर तो बहुत ही खराब है। 26 फरवरी को रिलीज हो रहा है। ओके जी बड़ा अच्छा ट्रेलर ना, बहुत काफ़ी सस्पेंस लग रहा था इसमें। कोई जैसे वो होता है ना सीरियल किलर वाला स्टोरी इस तरह की ऐसे ठीक है, इस तरह की मुझे कोई खामोश कातिल लग रहा है इसमें जो वो मतलब मानने से भी इनकार कर रही है, कत्ल करके मेरे ख्याल में अपना पास भूल जाती है। कोई इस तरह की ना लग रही है जिस तरह गजनी का था ना ठीक है, इस तरह का ना थोड़ा सा मेरे ख्याल में इन्होंने दिखाई है। साइको टाइप या एक बीमारी होती है भूलने की, वो अपना पास भूल गई। काफी सस्पेंस है भी क्योंकि छोटा सा ट्रेलर होता है इससे मतलब आप इतना अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इंटरेस्टिंग मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है बिल्कुल। और 26 फरवरी को सर इंडिया में ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। पाकिस्तान में सिनेमा प्रिंट आता है लेकिन वो जबरदस्त नहीं इतना होता, थोड़ी 2-3 माह बाद हमें देखने को मिलती है मूवी। बहरहाल काफ़ी दिनों के बाद ट्रेलर देखा और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी आज ट्रेलर की द गर्ल ऑन ट्रेन, इस पर आप रिएक्शन करें। बड़ा ज़बरदस्त लगा इसका। परिणीति चोपड़ा सर वैसे भी बड़ी फेमस और बड़ी ज़बरदस्त लगा ठीक है, वर्सटाइल एक्ट्रेस है और बड़ा अच्छा इन्होंने काम है। लास्ट टाइम इनको हमने केसरी फिल्म में देखा था अक्षय कुमार के साथ, काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने फिल्म बनाई है और भी काफ़ी सारी। मुझे लग रहा है कि इस दफा मज़ा आएगा फिल्म देख के, ट्रेलर से ऐसे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है बिल्कुल, और बड़ी देर बाद अच्छी मूवी देखने को। सारी कास्ट ही बड़ी जबरदस्त है। चोपड़ा है, आदिति राव है, हैदरी है, कृति कुलहारी, ये सारे जबरदस्त हैं। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपको ये वीडियो जो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेलर था कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ओके हो गया जी।
स्वीट ले लो। हाँ।